हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसके। आज मैं बताने वाला हूँ फीचर्स एंड मैं यूजर्स के बारे में। इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा माइक है और वायरलेस माइक है फ्रेंड्स। आईफोन के लिए मैं इस पर यूज़ करता हूँ, मतलब आईफोन में लगा करके, क्योंकि मेरे पास आईफोन है फ्रेंड्स। अगर आपके पास टाइप सी वाला फ़ोन है, एंड्रॉयड या B8 वाला फ़ोन है पिन वाला, तो फ्रेंड्स आप उसमें भी इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा माइक है, तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब जो आवाज़ वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही है फ्रेंड्स वीडियो के साथ में, वो इसी के साथ में रिकॉर्ड हो रही है, माइक मेरा लग रहा है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, वॉइस क्वालिटी किस तरीके की फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आगे इसमें बताने वाला हूँ क्या क्या हमें इसमें के साथ मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो डायरेक्टली फ़ोन के मुझसे ही माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जो मेरा फ़ोन पास में इसमें स्टैंड में लगा हुआ है और उसी से मेरा रिकॉर्ड हो रहा है फ्रेंड्स। इस माइक को मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या खास बात है और क्या क्या हमें इसमें निकलने वाले फ्रेंड्स। तो चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो आपको दिखाता हूँ। इसमें हमें पहले से भी एक बॉक्स ही मिल जाता है और बाकी छपे हुए इसमें मैं फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये K8 वायरलेस माइक्रोफोन माइक है फ्रेंड्स, और इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। फॉर सी टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर आईफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सी टाइप प्लस आईफोन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं आईफोन का जो पोर्ट होता है, और प्लस इसमें जो है टाइप सी और प्लस आईफोन प्लस B8 तीनों ही पोर्ट के साथ में आता है फ्रेंड्स। और आप यहाँ देख ही सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और हमें वैसे इसमें मैं फीचर्स के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, इसमें प्लग एंड प्ले यानी कि लगाइए और आप इसको ऑन कीजिए और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा हमें मिल जाता है 20 मीटर तक के ये वायरलेस कनेक्टिविटी रखता है फ्रेंड्स। 20 मीटर तक आपकी वॉइस ये रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो के साथ में फ्रेंड। और अगला है हमारा प्रेसिस रेडियो यानी कि साउंड रिड्यूस भी करता है। और अगला नंबर है हमारा क्लियर टाइमर, तो क्लियर टाइमर भी काफ़ी अच्छा है, जो हमारी नॉइस है उसको कैंसिलेशन कर देता है और अच्छी वॉइस क्लियर रिकॉर्ड करता है फ्रेंड्स। और हाईली सेंसिटिव है और विडली कम्पिटिटिव है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ मैं क्या इसके अंदर। यह मिल जाता है हमें पहले को पोर्ट, जिसमें कि लाइटिंग पोर्ट है। लाइटिंग पोर्ट के बाद में हमें मिल जाता है कि माइक, ठीक है आप देख ही सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ बटन मिल जाता है जिससे कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको दबा करके ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ लाइट ब्लिंक हुई यानी कि ऑन हो चुका फ्रेंड्स। बाकी ये लाइट जब तक डिपर करती रहेगी, जब तक हम इसको फ़ोन में अटैच नहीं कर लेते, जब तक लाइट इसकी ब्लिंक कर देगी रेड एंड ग्रीन फ्रेंड्स। और हमें मिल जाता है यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट, जो डायरेक्टली ही हम फ़ोन में लगा के यूज़ कर सकते हैं टाइप सी वाले फ़ोन में, एंड्रॉयड में। बाकी हमें आईफोन में यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे कनेक्टर को, और कनेक्ट करने के बाद में अपने फ़ोन में लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसको लगा करके और अपनी वॉइस क्वालिटी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, किस तरह की वॉइस क्वालिटी आ जाती है। तो इसको फ़ोन में कर लेते हैं टच। वो ये हमारे जो लाइट थी पहले ब्लिंक कर रही थी, वो स्टेबल हो चुकी है। अब हमारी जो वॉइस है फ्रेंड्स, इस माइक के द्वारा आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी ही नॉइस कैंसिलेशन हो गई है और वॉइस क्लियर आ रही है फ्रेंड्स। तो मैं इसको ज़रा यूज़ करने के लिए लगा लेता हूँ ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, आप इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।